अरे फ्रैंकलिन भैया यार, आज आप हम लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो, फटाफट से बता दो। अरे यार बताऊंगा, लेकिन यार शिनचैन तुझे नहीं लगता कि यार हमारे शहर का मौसम थोड़ा चेंज होना चाहिए? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, काश यार बर्फ गिरती चारों तरफ, तब तो यार बहुत मजा आता। अरे हाँ यार, उसी चीज के लिए आज मैं तेरे को लेकर जा रहा हूँ छोटे वाले लावा गॉड के पास, यानी कि जूनियर लावा गॉड के पास। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ भाई शिनचैन, आज देखियो यार, ये जूनियर लावा गॉड जो है वो हमारी कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगा, लेकिन मेरे से वो जूनियर लावा गॉड इधर ही होना चाहिए। अरे कहाँ है फ्रैंकलिन भैया? अरे यार एक सेकंड यार, मैंने उसे इधर ही बुलाया था। एक काम करते हैं गाइस, वहाँ पे चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन यार वो जूनियर लावा गॉड हमारी क्या मदद करेगा? अरे यार वही तो ट्रिक है, अगर वो जूनियर लावा गॉड हमारे पास आ गया तो उसके फादर यानी कि यार उस बड़े वाले लावा गॉड से बोलकर हम मौसम चेंज करा लेंगे। और वो देख शिनचैन, सामने वो रहा जूनियर लावा गॉड। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, वो तो यार वहीं पे खड़ा है। अरे ओ भाई जूनियर लावा गॉड, फटाफट से इधर देख, मैं इधर हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है, ये तो बता दो। अरे यार जूनियर लावा गॉड, मुझे यार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है तेरे से। क्या तू अपने पापा यानी कि यार उस बड़े वाले लावा गॉड से बोलकर हमारे शहर का मौसम चेंज कर देगा? यानी कि यार बिल्कुल ठंडा चिल्ड मौसम करना है और चारों तरफ यार स्नो ही स्नो होना चाहिए। अरे क्या बोल रहे हो तुम, मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरे डैडी यानी कि वो खतरनाक लावा गॉड मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे बातें करता हूँ और तुम्हारा दोस्त हूँ, तब तो वो मेरे को इस देश और दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज देंगे, समझे क्या? अरे तेरे को यार ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है, तू बोलियो कि यार मुझे अपने लिए इस जगह का जो मौसम है उसे चेंज करवाना है, तो प्लीज डैडी आप करवा दीजिए। अरे यार मेरे को सोचना पड़ेगा। अरे तू सोच मत, फटाफट से यार ये काम कर दे और उसके बाद मैं तेरे को एक बहुत ही बढ़िया सी चीज दूंगा। अरे फ्रैंकलिन इधर आओ फटाफट से वापस आओ। अरे यार क्या हो गया, तेरे को यार फटाफट से बोला है जो काम वो फटाफट से जाकर कर दे यार। अरे ठीक है मैं कर दूंगा, तुम बस आधे घंटे वेट करो, लेकिन बदले में मेरे को क्या दोगे तुम? अरे जो तू मांगेगा, तू चाहे तो हम किसी अच्छी सी जगह पे जा सकते हैं गेम खेलने के लिए, या फिर तू जो भी चाहे वो मैं तेरे को दे सकता हूँ। अरे ठीक है, वैसे भी क्रिसमस आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी सेंटा क्लॉस गिफ्ट्स वगैरह दे और मैं भी सेंटा बनकर पूरे शहर में गिफ्ट बांटना चाहता हूँ। अरे इतनी सी बात, ठीक है यार मैं सेंटा क्लॉस को बता दूंगा तेरे इस आइडिया के बारे में। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है फ्रैंकलिन, तुमने तो यार सही में मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं अपने डैडी से बोलकर इस पूरे जगह की एनवायरनमेंट और मौसम को चेंज करवा दूंगा, वो भी स्नो से भर दूंगा। अरे वाह यार ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है फ्रैंकलिन, बाय बाय, मैं आता हूँ आधे घंटे में पूरा मौसम बदल कर। अरे ठीक है तू आ जाइयो। अरे फ्रैंकलिन भैया यार क्या हुआ यार, आप इतने देर से क्या बातें कर रहे हो? अरे यार शिनचैन मैंने तो यार अपना काम करा लिया, अब देखियो थोड़ी देर में यानी कि आधे घंटे के अंदर यार पूरे शहर का मौसम चेंज हो जाएगा और मेरे ख्याल से चारों तरफ स्नो ही स्नो होगी। अरे क्या बोल रहे हो फ्रैंकलिन भैया, सही में ऐसा होगा क्या? अरे हाँ यार शिनचैन, मैंने यार जूनियर लावा गॉड से खुद बोला है कि अगर उसने ये काम करवा दिया अपने बड़े वाले डैडी लावा गॉड के थ्रू, तो यार मैं उसे एक बहुत ही बड़ा वाला सरप्राइज दूंगा, यानी कि सेंटा क्लॉस के साथ उसका सेटिंग करा दूंगा। अरे क्या बोल रहे हो फ्रैंकलिन भैया, मेरे को तो यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे यार छोड़, चल कोई बात नहीं, हम फटाफट से अपने घर चलते हैं और बाकी एवेंजर्स आर्मी को बुला लेते हैं, उसके बाद देखिए वो क्या ही खुश हो जाएंगे। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, चलो यार फटाफट से घर निकलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया यार देखो शाम होने को आ गई और इनफैक्ट शाम हो भी गई और 3 घंटे भी बीत गए यार, लेकिन उसने तो बोला था सिर्फ आधे घंटे में मौसम चेंज करा दूंगा। अरे यार सही बात है यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आधे घंटे तो यार कब के हो गए, इनफैक्ट 3 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक यार उस बंदे ने यानी कि जूनियर लावा गॉड ने अपने लावा गॉड फादर से बोलकर मौसम चेंज नहीं कराया, पता नहीं यार क्या सिस्टम है। चलो गाइस कोई बात नहीं यार, वेट करते क्या पता थोड़ा और टाइम लगे और वो मौसम को चेंज करा दे, उसके बाद चारों तरफ गाइस बर्फ ही बर्फ होगी, मजा ही आ जाएगा। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, उसके बाद तो हम लोग यार स्नोमैन बनाएंगे। और वैसे भी गाइस देखो 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे जो है वो काफी नजदीक है, उसके बाद तो यार पूरे शहर में पार्टी ही पार्टी होगी। अरे हाँ यार शिनचैन, मैंने भी काफी सारी प्लानिंग्स की है, लेकिन यार पता नहीं इस बार तो यार हमारे शहर में सर्दी का मौसम आ ही नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, लावा गॉड जो है वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, मेरे को तो यार वो एक नंबर का धोखेबाज लगता है, वो जूनियर लावा गॉड भी अपने फादर की तरह ही है, यानी कि उस बड़े वाले बेकार घटिया लावा गॉड की तरह। अरे भासा बार तुम लोग कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़ के? अरे यार तू भी यार बेमतलब में परेशान होता रहता है, मैं यार तुम सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज तैयार करने गया था, यानी पूरे शहर को मैं अब सर्दियों में बदलने वाला हूँ। अरे भासा बार लेकिन ऐसा कैसे होगा? अरे यार वो सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। चलो गाइस अब बस थोड़ा सा वेट करना है, अब अपनी एवेंजर्स आर्मी को बुलाते हैं और थोड़ी देर बाद पूरे शहर का मौसम बदल जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भाई
भैया मुझे नहीं लगता। बार सही बात है यार, मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। चलो गाइस देखते हैं। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लगता है, मौसम चेंज करवा पाएगा वो जूनियर लावा गॉड या फिर नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया रुक जाओ यार, मेरे पास एक तगड़ा आइडिया है। अरे पता नहीं यार मुझे ये फ्रैंकलिन का बच्चा क्यों बुलाता रहता है। अरे फ्रैंकलिन सुनता है, कहाँ है तू, मुझे क्यों बुलाया, फटाफट से बता। अरे यार तू आ गया, नीचे आ यार, तेरे लिए एक सरप्राइज है, फटाफट से आ। अरे ठीक है अभी आता हूँ, पता नहीं कौन सा सरप्राइज, मेरा तो बर्थडे भी नहीं है। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो यार हल्का आ गया। ये तो बड़ी जल्दी आ गया। अरे क्यों बुलाया है जल्दी बताओ तुम लोग। अरे यार देखकर भी नहीं चलता ये हल्का बच्चा। अरे यार हल्क आप देखियो, मैंने जो तेरे को बात बताई थी ना कल रात को। अरे कौन सी बात। अरे कि मैं पूरे शहर का मौसम चेंज करने वाला हूँ, चारों तरफ स्नो ही स्नो होगा, बर्फ ही बर्फ होगा। अरे हाँ बताई तो थी, लेकिन क्या हुआ। अरे अब वो एक्चुअल रियलिटी में होने वाला है। अरे क्या बोला, ऐसा कैसे होगा, हमने तो ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई। अरे यार मैंने उस जूनियर लावा गॉड के बच्चे को बुलाया कि जा अपने फादर यानी कि बड़े वाले डैडी लावा गॉड को बोलियो कि मौसम चेंज कर दे, तब तो ऐसा हो सकता है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू शायद एक बात भूल गया कि वो लावा गॉड है ना कि वो आइस गॉड, समझा क्या। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया आप भी सही में घोचू हो। अरे बार-बार तभी मैं सोचूं कि यार अभी तक मौसम चेंज क्यों नहीं हुआ है। अरे हाँ तुम लोग सही में घोचू हो। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा गमला क्यों तोड़ा तूने। अरे वो सब ठीक है यार, वो सब तेरे को मैं नया दे दूंगा यार, लेकिन ये बता कि मौसम कैसे चेंज होगा, मुझे भी स्नो में खेलना है, मुझे भी स्नो के स्नोमैन बनाने हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया यार अब तो मेरे ख्याल से यार एक ही इंसान वो मौसम ला सकता है, यानी कि हमारा आइस गॉड। अरे बासाबा लेकिन वो आइस गॉड है कहाँ और आएगा कैसे। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे ख्याल से तो वो अपने प्लेनेट पे वापस लौट गया है। अरे तो अब कौन लाएगा उसे। अरे एक आइडिया है फ्रैंकलिन भैया, मैं बताऊं क्या। अरे यार बताना यार। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम लोग यार उसकी ड्रॉइंग बनाए। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अरे हाँ यार मैजिकल पेंटिंग पे उसकी ड्रॉइंग बनाएंगे गाइस, और उसे इस वाले रियलिटी में यानी कि इस वाली दुनिया में बुला लेंगे। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मेरे ख्याल से वो आएगा तो चारों तरफ का मौसम एक ही दम से चेंज कर देगा और हम लोग क्रिसमस के लिए फुल्ली तरीके से रेडी हो जाएंगे। अरे वाह यार गाइस बड़ा अच्छा आइडिया है, आप लोग यार फटाफट से यार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि मुझे यार उस आइस गॉड को बनाना चाहिए कि नहीं। अरे बार ये भी कोई पूछने की बात है। अरे हाँ यार बात तो सही है, चलो गाइस फटाफट से बना लेता हूँ। अरे नहीं मैंने तो यार अपने डैडी से बात की थी, लेकिन यार उन्होंने तो मना कर दिया कि वो इस देश और इस शहर और इस प्लेनेट का मौसम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ गर्मी यानी कि समर का मौसम चेंज करना आता है, उनको सर्दी यानी कि विंटर्स के मौसम चेंज करने नहीं आते। लेकिन मैं ये सब कैसे बताऊं उस फ्रैंकलिन को, क्योंकि मैंने तो ये बोल दिया था कि मैं किसी भी हालत में मौसम को चेंज कराऊंगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे जाकर बेवकूफ बना देता हूँ और उससे वो सेंटा वाला गिफ्ट जो है वो भी ले लूंगा और फिर आएगा असली मजा। चलो गाइस फटाफट से उसके घर चलता हूँ। बार फटाफट से बना ले यार, देखियो कुलवे चारों तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। अरे हाँ यार सही बात है यार, मेरे को फटाफट से यार उस ब्लू आइस गॉड को बनाना पड़ेगा। चलो गाइस फटाफट से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो चलो गाइस अब फटाफट से यार ड्रॉइंग स्टार्ट कर देते हैं। और बार तेरे को ड्रॉइंग आती है। अरे हाँ यार आती है यार, तुम लोग भी घोंच हुई हो यार, मैंने इतनी बार ड्रॉइंग की है तुम लोग भूल भी गए। बार मेरे को यार याद नहीं कि तूने लास्ट टाइम कब ड्रॉइंग की थी। अरे क्योंकि गाइस बहुत टाइम हो गया यार, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ये देखो मेरे को यार मेरे स्किल्स पे पूरा भरोसा है गाइस। ये देखो कितने अच्छे से मैंने जो है लावा गॉड, अरे नहीं लावा गॉड थोड़ी ना है, ये तो आइस गॉड है, आइस गॉड के जो हेड को मैंने बना दिया है। अब फटाफट से गाइस इसके बाकी के स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। देखो अब यहाँ पे बारी है शोल्डर्स की। तो यार शोल्डर्स की बारी है तो फटाफट से बनाना यार, तू इतना लेट क्यों कर रहा है। अरे लेट नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये देखो यहाँ तक मैंने बना दिया है और ये काफी बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है। इसको आगे भी तो बना। अरे हाँ यार शिनचैन तू फटाफट बना। अरे बना रहा हूँ यार फ्रैंकलिन भैया। अरे मुझे नहीं लगता कि ये रियल लाइफ में आएगा। अरे तू शांत रहे यार, अभी से हमारा जो हल्क है यार वो उल्टा सोचने लग गया। गाइस तुम लोग यार बिल्कुल सीधा सोचो और पॉजिटिव सोचो, ये जरूर आएगा और हमारे पूरे शहर के मौसम को यानी कि यार सीजन को चेंज कर देगा और गाइस हमारा शहर वापस से स्नो में कवर हो जाएगा और गाइस उसके बाद तो हम लोग यार हर दिन स्नो में खेला करेंगे। और बार उसके लिए यार तेरे को फटाफट से यार इस आइस गॉड को ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि ये मौसम चेंज कर पाए। अरे ठीक है गाइस, ये देखो यार अब इसके लेग के नीचे के हिस्से की बारी
है यानी कि फुट की, तो फुट फटाफट से बना देते गाइस। देखो कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे मैंने इसे फाइनली ड्रॉ किया है। और भाषा अभी पूरा नहीं हुआ है। अरे हाँ यार मेरे को भी पता है गाइस। अब देखो यार, अब मेरे को इसका राइट वाला शोल्डर ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से ऊपर, उसके बाद फिर कुछ यहाँ से नीचे, उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से इसका हैंड आएगा। और भाषा हैंड तो आ रहा है लेकिन यार ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। अरे गाइस तो हटा देते हैं इसे, उंडो कर देते गाइस। अब फटाफट से यार दोबारा से बनाता हूँ। अरे यार तू फटाफट बना यार, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा। अरे यार ज्यादा स्पीड बढ़ाऊंगा तो यार ये खराब बनेगा और उसके बाद क्या पता ये रियल लाइफ में आए भी ना। और गाइस मेरे पास बस एक ही मौका है, मैं बार बार ड्रॉइंग भी नहीं कर सकता। अरे हाँ यार सही बात है, क्योंकि मैजिकल पेंटिंग यार बार बार काम भी नहीं करती। चलो गाइस अब फटाफट से इसके हैंड को थोड़ा सा यहाँ से अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और कुछ इस तरीके से बनाते हैं गाइस। ये देखो कुछ ऐसे और कुछ इस तरीके से। बार वो तो ठीक है यार, लेकिन तू इसके लेग्स वगैरह भी तो बना दे। अरे हाँ हाँ बनाऊंगा गाइस। ये देखो यहाँ से मैं कुछ ऐसे करूंगा, नहीं 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 इसे हटाते गाइस और यहाँ से ऐसे करते हैं और इसे यहाँ पे वापस मिला देते हैं। और गाइस यहाँ से इस वाले हिस्से को थोड़ा सा नीचे करते हैं और कुछ इस तरीके से नीचे जाते हैं। बार क्या कर रहा। अरे यार इसके लेग को बनाने की कोशिश यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि पेंट में गाइस प्रिसीजन नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और बार आप फटाफट से आगे का हिस्सा बना यार, बाकी सारी चीजें एब्स वगैरह बना। अरे हाँ गाइस ये देखो अब मैं बाकी यहाँ पे एब्स वगैरह बना देता हूँ। गाइस काफी खतरनाक एब्स हैं इसके, ये आइस गॉड है गाइस, ऐसी नहीं है ये। अरे बार ये तो मस्त लग रहा है। अब फटाफट से यार तू इसमें कलर कर दे पिंक वाला। अरे शांत रहे, पिंक कलर नहीं करूंगा यार। और इसमें ग्रीन कलर कर। अरे हल्क तू ग्रीन है तो मैं ग्रीन थोड़ी ना कर दूंगा गाइस, मैं तो इसमें रेड, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे नहीं इसमें ब्लू करना है। अरे हाँ यार तू सिंचन सही में घूंचू है, तू भी भूल चुका है कि यार आइस गॉड में कौन सा कलर होता है। पहले यार फटाफट से इसकी आंखें वगैरह बना दे। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, चलो गाइस मैं ब्लू कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी आंखें बनाने की कोशिश करता हूँ गाइस। ये देखो ऐसे और कुछ ऐसे, और उसके बाद ये थोड़ा सा उदास ही रहता है गाइस, तो थोड़ा सा ऐसे। ठीक है गाइस अब फटाफट से यार इसमें मैं कौन सा कलर करूँ, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ क्योंकि आंखें हैं गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू और उसके बाद नीचे भी थोड़ा सा ऐसे। अब फटाफट से यार इसमें पेंट करते हैं। तो अब फटाफट से कौन सा कलर लूँ, कहाँ से लूँ ये मेरे ख्याल से फिल का कलर है। अब फटाफट से इसमें ये फिल कर देते हैं। नहीं 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 ये वाला फिल करें या ये हल्का वाला, हल्का नहीं मेरे ख्याल से डार्क ही फिल करेंगे गाइस। ये देखो ये मस्त लग रहा है। अरे बस बार उतना भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बढ़िया है गाइस, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, काफी ठीक लग रहा है। अरे बस बार बेस्ट तो नहीं लग रहा ना। अरे कोई बात नहीं गाइस, अब फटाफट से यार देखते हैं कि रियल लाइफ में कैसा दिखता है। 3 2 1 लेट्स गो। अरे बस बार ये तो रियल लाइफ में आ गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार ये रियल लाइफ में आ गया। अरे बस बार खुल के देख रहा तू। अरे हाँ यार देख तो रहा हूँ, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। अरे कौन सी प्रॉब्लम फ्रैंकलिन भैया? अरे यार इसका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है, ये तो जूनियर आइस गॉड है। अरे ठीक है ना फ्रैंकलिन भैया, यार जूनियर कह रहे हो। अरे आइस गॉड अरे मेरा नाम जूनियर आइस गॉड है। अरे ठीक है यार वही जूनियर आइस गॉड, यार तुम प्लीज यार हमारी एक मदद करोगे? अरे जरूर करूंगा, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कौन सी मदद तुम्हारे को चाहिए फटाफट से बताओ। अरे मैं बताता हूँ, हमारे शहर के मौसम को तू चेंज कर दे क्योंकि तू आइस गॉड है। अरे जूनियर आइस गॉड, अरे जो भी जूनियर आइस गॉड है तो तू फटाफट से हमारे शहर में चारों तरफ बारिश कर दे। अरे बारिश करनी है? अरे भाषा बार बारिश नहीं करनी यार, ये घोंचू ही है यार हल्क। अरे हाँ यार तू शांत रहे हल्क। अरे यार मैं ही बताता हूँ, देख यार जूनियर आइस गॉड तेरे को क्या करना है कि हमारे पूरे शहर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ की बारिश करनी है और चारों तरफ जो मौसम है उसे स्नो वाला मौसम बना देना है। अरे बस इतनी सी बात? ये तो यार मेरे बाएं दाएं दोनों हाथ का कमाल है, मैं यूं कर दूंगा। अरे ठीक है तो यार फटाफट से कर दो यार जूनियर आइस गॉड। अरे वह यार मजा आ गया यार। अरे भाषा बार ये तो सही में बहुत कमाल है, मेरे को लगा था ये जूनियर है तो यार कुछ भी पावर जो है वो रखता नहीं होगा अपने पास। अरे मैं जूनियर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी पावर है। चलो अभी मैं चेंज करता हूँ। और अभी ये देखो यार चारों तरफ अंधेरा हो रखा ना, मैं अभी अंधेरे को भी उजाले में बदल दूंगा और साथ ही साथ बहुत सारी बर्फ भी गिरा दूंगा यहाँ पे। 3 2 1 लेट्स गो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो यार चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया यार इसने तो सही में यार कमाल कर दिया, मेरे को यार अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कलवे ये देख यार ये सब क्या हो गया। अरे यार तो यही तो चाहते थे ना हम लोग, वैसे भी यार दिसंबर का टाइम है और हम लोग चाहते थे कि यार चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिर जाए और हम लोग यार फटाफट से क्रिसमस की सेलिब्रेशन स्टार्ट कर सके इससे पहले कि क्रिसमस का टाइम भी निकल जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया अब तो मैं बर्फ की गोली बनाऊंगा। अरे भाषा बार मैं तो वो स्नोमैन बनाऊंगा। अरे मैं तो एक बर्फ का हल्क बनाऊंगा। अरे गाइस आप लोग क्या चाहते हो हम लोग यार बर्फ से क्या क्या बनाए फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना। अरे तुम लोग चाहो तो बर्फ से और भी बहुत सारी मस्ती कर सकते हो। अरे वो तो हम जरूर करेंगे गाइस। अरे यार मजा आ गया। अरे भाषा बार अब तो यार वो जूनियर लावा गॉड जो है कितना ही ज्यादा परेशान हो रहा होगा और सही में
वो तो बड़ा ही बुद्धू है। अरे हाँ यार सही बात है, उसने हम लोगों को बुद्धू बना दिया। उसको यार पता होना चाहिए था कि वो जूनियर लावा गॉड जो है वो बर्फ के मौसम को कभी भी हमारे धरती पे ला नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी और लावा को ही ला सकता है। अरे क्या बोला, जूनियर लावा गॉड वो तो यार एक नंबर का बुद्धू है, वो मेरे से ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल सही बात है यार, तुम ग्रेट हो और तुम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अब तो यार हम फटाफट से बर्फ में मजे करते हैं। अरे हाँ यार सही बात है यार, बर्फ में मजे करने का टाइम आ चुका है। तो हल्क चल अब फटाफट से यार तू रेडी हो जा, हम लोग अब जा रहे हैं शहर का एक चक्कर मारने। अरे मैं तो हमेशा से रेडी हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया सबसे पहले तो हम लोग ही गाड़ी के ऊपर बैठ चुके हैं यार, मजा आ गया। अरे भाई साहब चलो चलो। अरे मैं तो रेडी हो गया, चल फ्रैंकलिन चला ले, भगा ले गाड़ी को। अरे भाई साहब भगाना यार। अरे यार भगा तो लूंगा यार, लेकिन एक सेकंड यार, बर्फ की वजह से थोड़ा सा यार मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। ये देखो यार बर्फ की वजह से थोड़ी सी गाड़ी जो है वो स्लिपरी हो रही है। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन भैया, मजा भी तो आ रहा है। अरे भाई साहब सही बात है यार। अरे भाई साहब आराम से। अरे आराम से, मैं पीछे बैठा हूँ, कहीं लुढ़क ना जाऊं। चलो गाइस अब फटाफट से यार थोड़ा सा शहर का एक चक्कर मार लेते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ क्या हो रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे ख्याल से तो सभी लोग यार एंजॉय कर रहे होंगे। चलो यार एक बार फटाफट से शहर के बीचों बीच चलते हैं। अरे भासाबार कलवे यार तू ले कहां जा रहा है यार हम लोगों को। अरे फ्रैंकलिन भैया रोको 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 एक सेकंड। अरे भासाबार ये तो वही जूनियर लावा गॉड है ना। अरे हाँ यार सही बात है, एक सेकंड ये जूनियर लावा गॉड यार इधर क्यों लेटा हुआ है। अरे पता नहीं फ्रैंकलिन भैया एक बार पता करो। अरे हाँ यार सही बात है, एक सेकंड भाई ये लेटा क्यों है। अरे फ्रैंकलिन भैया पता नहीं। अरे भासाबार कलवे कहीं ऐसा तो नहीं यार सर्दी की वजह से इसे ठंड लग गई। अरे एक सेकंड। अरे भाई जूनियर लावा गॉड, अरे जूनियर लावा गॉड सुन रहा है क्या तू। अरे बचाओ मेरे को, बचाओ मेरे को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया सही में यार ये तो लावा गॉड का बेटा है, यानी कि मतलब जूनियर लावा गॉड है। लावा जो है वो यार सर्दियों में नहीं टिकता। अरे भासाबार बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब यार ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। अरे बचा लो मेरे को जल्दी से। अरे मेरे ख्याल से इसकी मदद करनी चाहिए हमें। अरे हाँ यार बात तो सही है, चलो यार फटाफट से इसको पिकअप ट्रक के पीछे रखो और फटाफट से निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी जल्दी बैठ जाओ। अरे भासाबार चलो चलो फटाफट से। अरे फ्रैंकलिन भैया उसको तो भूल ही गए। अरे भासाबार क्या कर रहे हो तुम लोग। अरे हाँ। अरे यार हल्क मैंने तेरे को बोला था यार उसे पीछे रखने के लिए, तू तो खुद ही बैठ गया। चलो यार ये हल्क का बच्चा सही में घोंचू ही है, मेरे को ही रखना पड़ेगा इसे। तो चलो यार फाइनली मैंने इसे रख ही दिया। अरे घोंचू हल्क चल फटाफट से बैठ जाओ। अरे यार मेरे को घोंचू मत बोल, फ्रैंकलिन छोड़ूंगा नहीं। अरे तो यार तेरे से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, तेरे को एक काम बोलते हैं वो भी तू ढंग से करता नहीं है। चलो गाइस कोई बात नहीं, अब फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और जूनियर लावा गॉड की मदद करते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया कहीं यही तो रीजन नहीं है कि यार इसने ये सर्दी वाला मौसम जो है वो नहीं करवाया था। अरे हाँ यार सही बात है यार, मेरे ख्याल से भी मेरे को यही लगता है। चलो यार कोई भी रीजन हो हमें फर्क नहीं पड़ता गाइस, हम फटाफट से चलते हैं इसकी मदद करने और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अरे हाँ जल्दी से लेके चलो। अरे फ्रैंकलिन भैया आप तो बोल रहे थे कि इसे हॉस्पिटल ले जाना है, तो यार अपने घर पे क्यों लेके जा रहे हो। अरे यार रुक जा शिनचैन, मैं अभी तेरे को बताता हूँ। देख अगर हम लोग यार इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो यार हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यार इसके सारे पावर्स वगैरह के बारे में जान जाएंगे, और मैं चाहता नहीं हूँ कि यार उनको इसके पावर्स के बारे में पता चले। अरे हाँ ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया दिया तूने। अरे गाइस मैं सोच रहा हूँ यार मैं अपने एक स्पेशल डॉक्टर को घर पे बुलाऊंगा, और गाइस उसके बाद यार वो डॉक्टर इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो यार सही में बहुत ही अच्छा आइडिया है। अरे भासाबार लेकिन यार देखो यार क्या हो गया, हम लोगों ने स्नो के चक्कर में यार जूनियर लावा गॉड को मुसीबत में डाल दिया। अरे फ्रैंकलिन भैया यार ये ठीक तो हो जाएगा ना। अरे यार जरूर होगा गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग यार जूनियर लावा गॉड को किसी तरीके से जिंदा कर दें, वापस से यार इसको ठीक कर दें, तो फटाफट से यार कमेंट सेक्शन में आप लोग अलग अलग आइडियाज बताना कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि ये लावा से बना हुआ है और हम लोगों ने गाइस मौसम को बिल्कुल उल्टा कर दिया, यानी कि यार स्नो वाला मौसम ला दिया है अपने पूरे लॉस संतोष में, और गाइस इसी वजह से गाइस ये जो है काफी ज्यादा कमजोर हो गया और मेरे ख्याल से गाइस इसमें अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। अरे बचा लो यार मेरे को, कोई तो बचाओ। अरे चिंता मत कर यार, देखो गाइस ये बचाओ बचाओ बोल रहा है। तो गाइस आप लोग यार आइडियाज वगैरह तो कमेंट सेक्शन में बताओ हम लोगों को क्या करना चाहिए, फटाफट से वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और गाइस हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अरे यार वो तो मेरे को गाड़ी से ही ठोक देता। अरे कोई बात नहीं, चलो गाइस फटाफट से यार जूनियर लावा गॉड को अंदर लेके चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया आज का दिन तो यार बेस्ट भी था और थोड़ा सा यार अजीब भी था, क्योंकि यार हमारे जूनियर लावा गॉड यार काफी ज्यादा मुसीबत में फंस गया है। चलो गाइस कोई बात नहीं यार, हम इसको जरूर से ठीक कर लेंगे। चलो गाइस टाटा बाय बाय।